सेटिस्फाइड नहीं, ओवर जॉयड एंड ओवरवेल्म्ड है। जितना हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा हमको रिस्पांस मिला है। इसके अलावा जितने हम खुश हैं, हमारी खुशी हमारे एग्जिबिटर्स की खुशी से जुड़ी हुई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज सोमवार का दिन होने के बाद भी बुकिंग्स की घंटियाँ पर घंटियाँ बजती गई हैं। तो दिस इन इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ सक्सेस। और मैं कहूँगा कि मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि आने वालों को भी सही प्रोडक्ट सही टाइम पे सही प्राइस में मिला है, और एग्जिबिटर्स को भी अपना एक डिस्प्ले करने का मौका मिला है, और बहुत उन्हें रिस्पॉन्स मिला है और अच्छी क्लोजिंग्स मिली है। सोमवार का दिन होने के बावजूद हमारी वीकेंड्स तक बुकिंग पहुंची थी 150 के ऊपर चली गई थी, बट आज सोमवार होने के बावजूद वी हैव रिसीव्ड अनदर 50 बुकिंग्स, और टोटल बुकिंग्स 200 के ऊपर जा चुकी हैं, और जिसमें से 290 तो लगभग 300 तक बुकिंग्स पहुंच चुकी हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग हैं जिनके बहुत हाई टिकट साइज़ के फ्लाइट्स थे, लगभग 2.5-3 करोड़ तक, उन्हें भी काफ़ी सक्सेस मिला है। देखिए, सरप्राइजिंगली इस बार जो क्लाइंट्स का आउटलुक रहा है वो, और जो कन्वर्जन्स हुई हैं वो मैक्सिमम 1 करोड़ के ऊपर के यूनिट्स की हुई है। तो दैट इज़ दैट डेफिनेटली सेज दैट मिड टू अपर सेगमेंट को इस बार सबसे ज़्यादा सक्सेस मिला। अफोर्डेबल हाउसिंग के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ डिस्प्ले किए गए और उसे भी काफ़ी सक्सेस मिला है। आप अभी इसमें इस टाइम पे सभी सेगमेंट में बुकिंग हुई है, जैसा कि अफोर्डेबल में तो हुई है, वो हमेशा अफोर्डेबल इसमें लीड में रहता है, इस टाइम पे भी है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस टाइम पे आईटी के जो यूनिट्स डिस्प्ले किए उसमें भी स्पॉट बुकिंग देखने मिली है। हमारे प्रेसिडेंट साहब का प्रोजेक्ट चल रहा है सील फाटा पे, वहाँ पे भी बुकिंग मिली है। तिलक नगर में यहाँ से बुकिंग मिली है, मतलब हर सेगमेंट में बुकिंग मिला है। ईवी ओम्स वाले का जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी बुकिंग हुआ है, तो हर सेगमेंट में बुकिंग है। हाँ बिल्कुल, जो हमारा इस टाइम का थीम था ऑल अंडर वन रूफ, तो वो इस बार सही मायने में सक्सेस हुआ है, और वही सभी कस्टमर, उससे भी एग्जिबिटर्स और विजिटर्स दोनों इस में सेटिस्फाइड है। एग्जीबिशन में मैं ऐसा देखूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन है, इन करंट एक्सपीरियंस के हिसाब से स्पॉन्सर्स को स्पॉन्सर्स मोर और लेस कंटिन्यू होने वाले, तो आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल है कि यहाँ पर अभी जो हुआ है वी वांट टू रिपीट, नंबर वन। नंबर टू, ये एग्जीबिशन अंडर वन रूफ को छोड़ के हम लोग ने यहाँ पर वी आर गेट इवन गिविंग पार्टिसिपेशन टू सोशल कॉज, जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव है, रिलीजियस कॉज, वो सबको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, नंबर टू। एंड नंबर थ्री, जो है जो 300 यूनिट है आज, कोई यूनिट 50 लाख की है, कोई यूनिट 1.5 करोड़ की, अगर आप एवरेज 1 करोड़ की भी पकड़ो तो 300 × 1 300 करोड़ ऐसे ही हो जाता है। सो स्पॉट बुकिंग ऑल्सो, इसका जो इफेक्ट रहेगा इट विल बी फॉर 1 मंथ। वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट पीपल, MLA, MLC, MP, कमिश्नर, एवरीबडी, दे हैव ग्रेस द ओकेजन। उन लोग ने मार्केट देखा है, दे हैव अंडरस्टूड, और हमारा जो डायलॉग है उनके साथ हाउ टू स्ट्रेंथन रियल एस्टेट, उसके ऊपर उन्होंने प्रॉमिस किया कि विल सिट एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग फर्दर। सो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस प्लेटफॉर्म। इट इज़ नॉट खाली, हर टाइम सेल ही नहीं होता, कभी सेल होता है, कभी हम लोग न्यू बॉम्बे को प्रमोट कर रहे हैं। खाली मैं अपने स्टॉल के बारे में नहीं बोलूँगा, न्यू बॉम्बे को आज यहाँ से प्रमोशन कैसा मिलना है, आज हर नोड को कैसे प्रमोशन मिलना है, वो भी हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। चिराग सर, आपका क्या ओपिनियन? ये टाइम पे एग्जीबिशन हमने थीम बेस का बहुत डेवलपर ने चार्ज किया था, जिसका प्रोजेक्ट का सीसी नहीं आया था वो डेवलपर अनफॉर्चुनेटली पार्ट नहीं ले पाए थे। आज एक एक डेवलपर ने 100-100 बुकिंग हुआ है, तो जो डेवलपर पार्ट नहीं ले पा रहे सबको अफसोस हो रहा है कि हमने पार्ट नहीं ले पाए। तो हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन जब भी होगा, जब भी हमको लॉन्च करने से पहला हम बुकिंग ज़्यादा मिल जाएगा, हमको स्कोप नहीं है, क्योंकि टीम ने पूरा बहुत मेहनत किया है, उसके पीछे पूरा 2 महीने का होमवर्क था, मार्केटिंग से लेके बुकिंग से लेके प्लानिंग से लेके सब कुछ हमने बहुत होमवर्क करके ये टाइम पे किया है, तो हमारा बहुत अच्छा सक्सेस हुआ हमारे टाइम। लगता है कि विन-विन सिचुएशन में बिल्डरों
मेरे को लिए फ़ायदेमंद उसके लिए रहा था कि कंज्यूमर आज बहुत रजिस्ट्रेशन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज था, घूम रहा था, तो वो कंज्यूमर एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे एक साथ में सबका बुकिंग हुआ है, तो बिल्डरों का तो बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। और ये जो हमने एग्जीबिशन प्लान उसके लिए किया था कि हमको मालूम था कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको आज डिजिटल मीडिया कोरोना टाइम पर डिजिटल बहुत चल रहा था, तो अभी आज डिजिटल से निकल के फिजिकल का ज़रूरत था, तो फिजिकल एक ही प्लेटफॉर्म आएगा। हमने रिसर्च किया, मार्केट में स्टडी किया कि इतना जल्दी डालेगा तो क्या इफेक्ट आएगा, तो हमको रिस्पांस देखा, वो बेस पे हमने इसको एग्जीबिशन को लॉन्च किया था। कस्टमर की मेंटालिटी को किस तरह से आप लोगों ने स्टडी किया है कि किस तरह के उनकी कंस्ट्रक्शन को देखें? कस्टमर का मेंटालिटी में क्या है, ये एग्जीबिशन हमने जो लॉन्च किया उसमें लॉन्ग वीकेंड था, प्लस कोविड का शायद माहौल भी आने का चालू हो रहा था, तो कस्टमर हमको डर ऐसा डर भी लग रहा है अगर कोविड ज़्यादा हो गया तो हमारा सक्सेस नहीं होगा, कि टच वुड का हमारा ये कुछ हुआ नहीं और ओवर रिस्पॉन्स हुआ, और कस्टमर भी सब लोग सोच रहा है कि हमको अभी अपग्रेड करना है। कोविड ने सबको सिखा दिया कि ज़िंदगी में अपने लिए जियो और अपना घर होना चाहिए, कोविड ने सिखा दिया सबको, तो कस्टमर वो बेस पे ज़्यादा आके पार्टी। अगली एग्जीबिशन से पहला तो अपना MTHNL का डेडलाइन मार्च दिसंबर तक का है, हम उम्मीद करते हैं, इतना साल से जो हम लोग एयरपोर्ट का बात कर रहे थे, एयरपोर्ट का बात पे रियल एस्टेट चलता था, अब ये एक्चुअल बेस पे आ गया जो स्टेज, आप फिजिकल देखो तो एयरपोर्ट का भी वर्क चालू हो गया है, MTHNL भी चालू हो जाएगा, और नैना के पीछे भी हमारे एसोसिएशन के लिए बहुत इनपुट दिया हुआ, सीट को से हमारा कंटिन्यूस टच है, गवर्नमेंट से टच है, तो वो भी चालू हो जाएगा और सब कुछ सक्सेस रहेगा। थैंक यू।